सीजन वन ओके था, सीजन टू ब्रिलियंट था, सीजन थ्री आउटस्टैंडिंग था, सीजन फोर माइंड ब्लोइंग था, और सीजन फाइव, फिर बात करेंगे सीजन फाइव की, जहां पर हमें टोटल 8 एपिसोड देखने मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 50 मिनट से लेके करीब 1 घंटे के। सीजन फाइव में जितने एपिसोड थे वो अब तक के सबसे कम एपिसोड है लूसीफर सीरीज के। उसके अलावा ये शो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। फिर बात करेंगे सीजन फाइव की, तो कहानी शुरू होती है एग्जैक्ट सीजन फोर के कुछ महीनों बाद, जहां पर ये चीज पता चल गई थी कि लूसीफर वापस हेल जा चुका है, और अब वो अर्थ पर कब दोबारा लौटेगा ये किसी को भी पता नहीं है। खैर सीजन फाइव की शुरुआत होती है जहां पर हमें एक केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए नजर आती है डिटेक्टिव क्लोई और मेज। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब अर्थ पे लूसीफर तो नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई माइकल आ जाता है। अब उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये सीरीज। काफी लोग मुझसे एक सवाल बार बार पूछते हैं, वो ये है कि भाई लूसीफर वेब सीरीज के इतने ज्यादा फैंस क्यों है। तो उसका दो मेन रीजन है। पहला मेन रीजन ये है कि भाई इस शो को मेकर्स चाहते तो एक डार्क वे में प्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने इस शो को काफी एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट किया। इस शो में बताई गई कॉमेडी, इस शो में बताया गया एक्शन, इस शो में बताया गया अलग अलग मर्डर केसेस, इस शो में बताया गया कुछ सुपर नेचुरल चीजें जिसको लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर इस शो को बनाया जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, स्पेशली यूथ ऑडियंस को। उसके अलावा शो की जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है टॉम एलिस, यानी कि जिसने यहाँ पर रोल प्ले किया लूसीफर का। अगर वो बंदा इस कैरेक्टर को प्ले नहीं करता तो ये शायद ये शो यहाँ तक नहीं पहुंचता जो पहुंचा है। बात करेंगे शो की दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों की, वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। चाहे सीजन फाइव हो या बाकी के 4 सीजन हो, हमें एक चीज जो हमेशा अच्छी देखने को मिली वो है यहाँ पर शो में कैरेक्टर डेवलपमेंट। हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी डिटेलिंग वे में ये लोग बताते हैं, और जब भी कोई सीरीज में कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस भी होता था उस कैरेक्टर के बारे में भी इतना कुछ बता देते कि आपको किसी भी कैरेक्टर को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और ये चीज इसकी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, क्योंकि ये सारी चीजें बताने में वो लोग अच्छा खासा टाइम लेते हैं, जहां पर आपको ये सीरीज बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि बीच बीच में आपको लूसीफर अच्छा खासा एंटरटेन करता है, जो कि मुझे बहुत मजा आता है। शो की सिनेमेटोग्राफी और सेट डिजाइन को लेकर कुछ भी कंप्लेंट कर नहीं सकते। और अगर बात करेंगे शो की म्यूजिक की, तो इस शो के जो ओकेशनल सॉन्ग्स है वो तो यार यूनिक टच देता है आपको इस सीरीज में। जो बात करेंगे शो में एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो हमेशा की तरह टॉम एलिस आपको निराश नहीं करते। लेकिन यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि वो डबल रोल प्ले कर रहे हैं, तो अब जब एक एक्टर कोई दो रोल को प्ले करता है तो उसको अलग अलग तरीके से उसे प्ले करना होता है, और यहाँ पर उनको इस चीज के लिए 10 out of 10 देना चाहिए। मेरे हिसाब से उन्होंने दोनों रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। लेकिन यहाँ पर एक एक्टर जो शाइन करता है सीजन फाइव में वो है डीबी वुडसाइड, जिसने एमिना डील का रोल प्ले किया। कैरेक्टर को अच्छा खासा स्क्रीन टाइमिंग भी मिला, और यहाँ पर वो शाइन होते पूरे सीजन फाइव में। पर्सनली उनसे रिलेटेड जो जो चीजें यहाँ पर बताई मुझे काफी एंगेजिंग लग रही थी। उसके अलावा मेजिलिन का जो रोल प्ले करती है लेस्ली, यार वो तो हमेशा से एक अलग कैरेक्टर है, और यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर सीरीज में उनके कैरेक्टर में जो आर्क देखने को मिला है ना, और जो अलग शेड देखने को मिला, वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा लॉरेन जर्मन की बात करें तो वो अपने रोल को हमेशा से एक ठीक ठाक ही निभाती है, मुझे वो हमेशा डिसेंटली लगती है। उसके अलावा शो में एक चीज जो बहुत अच्छी लगती है वो है डिटेक्टिव क्लोई और लूसीफर के बीच की केमिस्ट्री, वो आप लोग कह सकते हैं कि इस शो की एक सोल है। अब बात करेंगे शो के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। एपिसोड 1 मुझे अच्छा लगा, और एपिसोड 2 और 3 में वो चार्म नहीं था जो हमेशा लूसीफर सीरीज में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज मिसिंग थी। और बात करेंगे एपिसोड 4 की, तो वहां पर जिस तरीके से एपिसोड को मोनोक्रोम में शूट किया ना, यानी कि एक ही कलर में, तो यहाँ पर चीजें महसूस हो रही थी कि रैक किया जा रहा है, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग था। एपिसोड 5, 6, 7, 8 की, तो यहाँ पर से धीरे धीरे चीजें अच्छी लगने लगी, और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगे, और जो फाइनली 8 एपिसोड था, अलग सी उम्मीद जगाता है कि हाँ ऐसा लगता है कि पार्ट 2 में हमें बहुत कुछ चीजें देखने को मिल जाएगी, और फाइनली जो लूसीफर सीरीज का एक अच्छा एंड होना चाहिए था वो शायद हमें पार्ट 2 में देखने को मिल जाएगा। इस वजह से जो स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स मुझे इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे थे, तो वो चीजें कहीं ना कहीं कवर अप हो गई, और मेरे हिसाब से मैं पार्ट 2 के लिए फिर से वापस एक्साइटेड हूँ। खैर बात करेंगे शो में पेरेंटल गाइडेंस की, तो ये शो बच्चे और फैमिली के लिए नहीं बनाया गया, ये ओनली फॉर एडल्ट बनाया गया, और एडल्ट लोग को ये शो बहुत अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल मैं इस सीजन 5 को रेटिंग दूंगा 4 out of 5। मेरे हिसाब से अगर आप लूसीफर सीरीज के बहुत बड़े फैन है तो आपको ये शो अच्छा लगेगा। आप शो को काफी डिटेल में देखोगे तो कुछ चीजें आपको भी यहाँ पर फील होगी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आप लोग मेरे से कितने सहमत हो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फाइनली इतना ही बोलूंगा कि भाई देखना तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो। मैं मिलूंगा कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन दुआ में याद रखना।